नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। देश में कोरोना के कारण लॉकडाउन है। लॉकडाउन की जो समय सीमा है उसको बढ़ाकर 17 मई तक के लिए कर दिया गया है और इसमें दुकानों को खोलने की मनाही है। इस दौरान मुजफ्फरपुर में दुकानें खुली थी जिस पर प्रशासनिक डंडा चला है और दुकानों को सील कर दिया गया है। पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल कोरोना महामारी के बीच किए गए लॉकडाउन के उल्लंघन मामले में मुजफ्फरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के मेहंदी हसन रोड की दो दुकानों को सील कर दिया है। मामले में सील करने वाले ब्रह्मपुरा पुलिस ने बताया है कि थाना क्षेत्र में दो दुकानों को सील किया गया है जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे। पुलिस ने यह भी बताया है कि उन्हें कई बार दुकान को समय पर खोलने और बंद करने की हिदायत दी गई और जो दुकानें खोलने का आदेश नहीं है उनको बंद करने की बातें कही गई, लेकिन वो लोग नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन दो दुकानों को सील कर दिया है। ब्रह्मपुरा थाना प्रभारी विश्वनाथ कुमार का कहना है कि ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने जिन दो दुकानों को सील किया है उन्हें पहले भी चेतावनी दी गई थी लॉकडाउन में दुकानें ना खोलें और लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें, लॉकडाउन का पालन करें, लेकिन यह दुकानदार मानने को तैयार नहीं थे और इसलिए बीते दिन FIR दर्ज किया गया और फिर आज भी दो दुकानों को पुलिस ने सील कर दिया है। इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं ब्रह्मपुरा थाना प्रभारी विश्वनाथ राम, जरा वो सुनिए। कर रहे हैं इसलिए उन पर केस किया गया। केस करने के बाद तो सील की कार्रवाई होती है, उसी प्रक्रिया के तहत तत्काल अभी दूर होता हुआ है सील, रेस्ट को और भी सील किया जाएगा। सर अभी दो दुकानों को सील कर दिया गया है, अभी दो दुकान। मैसेज क्या है सर कि लॉकडाउन का उल्लंघन जो लगातार लोग कर रहे हैं, क्या मैसेज दीजिएगा उनको? ले हम तो आग्रह करेंगे कि कानून को अपने हाथ में नहीं लें और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही काम करें और लॉकडाउन का पालन करें। समूह से आग्रह यही होगा, दुकानदार लोगों से भी आग्रह होगा कि हम लोग उन्हीं लोगों के लिए। सर ये सिलसिला आज से ही शुरू कर दिया गया क्या? हाँ, ये कल ही से शुरू है। कल भी किया गया था क्या सर? कल जो इसे FIR हुआ था आज सील कर दिया, आज उसको सील किया गया। फिर और भी दुकानें सील होगी सर? हाँ, एक दो जगह ऐसा पाया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो है इसे ख्याल नहीं रखा गया, उसको पहले से आगाह किया गया, वो भी नहीं माना तो उस पर भी केस किया गया है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे हैं थाना प्रभारी। दरअसल लाख मना करने के बावजूद जब लोग नहीं मान रहे हैं तो पुलिस को आखिरकार कार्रवाई करनी पड़ रही है, क्योंकि एक तरफ कोरोना से देश को बचाना भी है और दूसरी तरफ अगर बात करें तो पुलिस अपने आप को भी कोरोना के संक्रमण से अलग रखना चाह रही है, बचाना चाह रही है, क्योंकि अगर वही संक्रमित हो जाएंगे तो फिर स्थितियां और खराब होगी। इसलिए आपसे सिटी पोस्ट अपील कर रहा है कि जो प्रशासन आपसे अपील कर रहा है उसकी आप बात मानिए, क्योंकि लगातार बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे का ये निर्देश है कि जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उस पर FIR भी किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ी तो उसे जेल में भी डाला जा सकता है। और इन दिनों लगातार बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे रेड जोन वाले इलाके में जा रहे हैं, उन जिलों का दौरा कर रहे हैं। हालांकि मुजफ्फरपुर से अभी तक एक भी मरीज नहीं मिला है, लेकिन मुजफ्फरपुर वासियों से सिटी पोस्ट खास करके अपील कर रहा है कि आप अपने ज़िले को संक्रमित होने से बचाए रखें। यही आपके लिए और पूरे बिहार के लिए बहुत बड़ी बात होगी और मानवता के लिए एक मिसाल होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आपको ये खबर अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपका प्यार और समर्थन लगातार हमें मिल रहा है, इसे आगे भी बनाए रखिए। नमस्कार।